Hello everyone, welcome to your own YouTube channel The Mathematician Show. I hope you will be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, हमारे सामने ये फिगर है और इस फिगर में x का वैल्यू फाइंड करना है. तो इन पांचों नंबर के बीच जो रिलेशन है, वही रिलेशन इन पांचों नंबर के बीच होगा और इसी प्रोसेस से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले इस ऊपर वाले जो फिगर है, इस फिगर में जो नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स के बीच क्या रिलेशन है वो हम लोग फाइंड करते हैं. उसके बाद अगर हम इन सभी नंबर के बीच का रिलेशन फाइंड कर लेंगे तो हम लोग एक्स का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं. तो देखते हैं इन सभी नंबर के बीच क्या रिलेशन है. 3 + 4 5 + 2 - 3. 3 और 4, ये नंबर जोड़ के होगा 7 इंटू 5 + 2, 7 - 3 = 4, 28. तो आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग 3 और 4 को ऐड करते हैं, उसके बाद 5 और 2 को ऐड करके 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा वैल्यू 28 आता है. उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर में भी क्या करेंगे, 8 + 4, जिस तरह से यहाँ था 3 + 4, उसी तरह 8 + 4, ठीक है. और यहाँ 5 + 2, तो उसी तरह 8 + x और -3, तो यहाँ लिखेंगे -8 इक्वल कितना आना चाहिए, 12. 8 + 4 होता है 12, ठीक है. और इंटू 8 - 8 हो जाएगा 0 और प्लस x है तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, इज इक्वल टू 12, ठीक है. x इक्वल्स 12 / 12 = 1, तो x का वैल्यू 1 आया, इसीलिए यहाँ हम लोग x का वैल्यू 1 लिख देंगे. फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.